हैदराबाद के नामपल्ली मेले का शुभारंभ पिछले दिनों किया जा चुका है, जिसका उद्घाटन तेलंगाना राज्य के डिप्टी मुख्यमंत्री मोहम्मद महमूद अली और टी राजाया ने किया था। आज इसी क्रम में नामपल्ली मेले में ट्रैफिक और क्राइम डिपार्टमेंट का स्टॉल लगाया गया। जानकारी के अनुसार दोनों स्टॉल का आज उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन हैदराबाद के सीपी ने किया है। आपको बता दें कि इस दौरान सीटीएम के भरोसा सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। बताते चले कि उद्घाटन समारोह के दौरान पुलिस की कैलेंडर और डायरी का भी विमोचन किया गया। सिटी पुलिस की तरफ से दो स्टॉल्स का उद्घाटन हुआ, एक सी टीम और क्राइम ब्रांच का है, दूसरा हमारा ट्रैफिक ब्रांच का। दोनों स्टॉल्स में अवेयरनेस क्रिएट करने का कोशिश किया गया। जो स्टॉल में जाके देखेंगे उनको अपना सुरक्षा के बारे में, पुलिस जो काम कर रहा है उसके बारे में, और जो पुलिस वाली बातें, जो पुलिस से जो इंटरेक्शन होता है सिटीजनरी को, इनके बारे में बहुत अवेयरनेस और इंटरेक्शन वाले बातों पे एक अवगाहना आएगा। यही मकसद रहा हमारा स्टॉल्स ओपन करने में। और इसी वक्त हम इसको इसका फ़ायदा उठाते हुए हम एक पुलिस एसोसिएशन का, हैदराबाद पुलिस एसोसिएशन का डायरी और कैलेंडर भी ओपन किए थे। ये डायरी एक पुलिस कांस्टेबल तक जाता है, पुलिस कांस्टेबल से लेकर कमिश्नर तक। उर्दू का सेकंड लैंग्वेज करें सामगर उर्दू के साथ पूरा तेलुगु में सर? हाँ, उन लोग पहले से इंग्लिश और तेलुगु में करते रहे कैलेंडर, आपका एक सुझाव आया तो हम उर्दू में भी इसका ओपनिंग करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे, नेक्स्ट टाइम से उर्दू में भी एक आएगा। हैदराबाद से मोहम्मद हामिद की रिपोर्ट।